नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सुनूंगा अपने YouTube चैनल राहुल संदीप में बहुत स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कट ऑफ को लेकर, इस सिलेक्शन कट ऑफ क्या रह सकता है मेल एंड फीमेल का। तो एवरीडे मेरे पास कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो कट ऑफ पर वीडियो बनाया जाए, और कट ऑफ आपको लिए मैं बिल्कुल सटीक कट ऑफ लेकर आया हूँ कि यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी पूरी संभावना दर्ज की जा सकती है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज वो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो जान लेते हैं वो कट ऑफ क्या रहेगी। उससे पहले अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। तो यदि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अभी तक के जो एग्ज़ाम का एनालिसिस हुआ है, एग्ज़ाम का रिव्यू हुआ है, तो उस आधार पर मैंने ये कट ऑफ बताई हुई है, और मोस्ट ऑफ़ दी अभ्यर्थियों के मार्क्स कितने आए हैं उसी रेंज पर ये कट ऑफ बताई हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आपका संभावना दर्ज किया जा सकता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आप जहाँ पर देख पा रहे होंगे, चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करेंगे मेल एंड फीमेल। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का अगर मिनिमम लेवल माना जाए कि सिलेक्शन के लिए, तो 109 नंबर यदि आपके आ रहे हैं और 115 के बीच यदि आपके नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 104 से 112 के बीच यदि मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि नॉमिनेशन में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो जिनके 109 भी आ रहे होंगे तो उनके बढ़ जाएंगे, ठीक है, दो चार नंबर बढ़ जाएंगे। अगर ज़्यादा अच्छे नंबर बढ़े, 5 से 7 नंबर बढ़े, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है शिफ्टें हार्ड और मॉडरेट रही है, तो ज़्यादा अच्छे नंबर बढ़ेंगे, लगभग आप मानकर चलिए 8 से 13 के आसपास नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ओबीसी की बात कर लें। तो ओबीसी की यदि बात की जाए तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को एक साथ रखा हुआ है, 105 से 113 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें आप एक या दो नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। फीमेल की यदि बात करें तो यदि 102 से 109 के बीच यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब एससी कैटेगरी की बात कर लें, 95 से लेकर 105 के बीच में, और फीमेल की बात करें 90 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है भाई। चलिए एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी की बात करें तो 90 से 100 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं आपका सिलेक्शन हो सकता है, और 85 से 95 के बीच में आ रहा है एसटी वालों को तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये लगभग जब अभी तक के जो आंकड़े मिले हुए हैं उस आंकड़ों पर आधारित ये कट ऑफ बनाई हुई है कि अगर आपके मार्क इस रेंज में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन सिलेक्शन होने के सभी की संभावना इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगी कि इस बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी रहने वाली है। अभी जैसे पोस्ट ऑफ वैकेंसी 11,000 की बात चली, 11,000 हैं। अगर आपकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी, जैसे हमने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ कि आप ट्विटर अभियान चलाइए, लगातार कंटिन्यू ट्वीट करिए, और अगर हम पद बढ़वाने में कामयाब हो जाते हैं, 51,000 पदों की हमारी मांग है, यदि हम वो पूर्ण कर लेते हैं, 51,000 पदों की हमारी मांग है, अगर हम वो पूर्ण कर लेते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को कम नंबर पर ही क्या मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, साथ ही सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा एवरीडे ट्वीट करें और ट्विटर अभियान को जारी रखें ताकि पदों में वृद्धि हो सके और सभी अभ्यर्थियों को चांस मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।